श्री अकाल दोस्तों, पंजाब टीवी यूट्यूब चैनल देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जी। 14 नवंबर दी ताज़ा तरीन खबर लैके फिर तो हाजिर हुए हैं जी। सूबे पंजाब दी ताज़ा तरीन खबर तुहाडे सामने पेश करांगे। उस तो पहला वीडियो नू लाइक कमेंट ते शेयर करना ना भुलना, जो खबर का ताज़ा नोटिफिकेशन तुहानू टाइम उत्ते मिलता रहे। गल करदे हां सब तो पहली खास खबर की, दिवाली की रात होगी बारिश, मौसम विभाग ने की भविखबाणी। पिछले कई दिनों तो धुएं कारण मौसम खराब होया पिया है। साह वर्गियां भयानक बीमारियां दे मरीजां ते वातावरण प्रेमियों लिए चंगी गल यह है कि आने वाले दिनों में मीह पैण की पूरी संभावना बनी हुई है। दिवाली वाले दिन जिस दिन पंजाब के लोग दिवाली का त्यौहार मनाउण लगे होणगे, दरअसल दो दिन बाद मौसम करवट लैण वाला है। यह बदलाव वैस्टर्न डिस्टरबेंस कारण होगा। पंजाब की खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी के मौसम विभाग मुताबक दिवाली की रात वैस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होगा। मौसम विज्ञानी डॉक्टर के गिल का कहना है कि इंडिया मैटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट चंडीगढ़ तो मिली जानकारी मुताबक 15 से 16 नवंबर के दरम्यान पंजाब के कई जिले में बारिश हो सकती है। हालांकि बारिश हल्की होगी या तेज इस बारे फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। बारिश के नाल नाल पहाड़ी इलाकों बर्फबारी भी हो सकती है। बर्फबारी होई तो उत्थों आने वाली ठंडिया हवावां नाल मैदानी इलाकों भी ठंडक होगी, जिस नाल तापमान होर गिरावट हो सकती है। डॉक्टर गिल ने कहा कि बारिश होंदी है तो सूबे के लोगों को कई बीमारियों तो राहत मिल जाएगी। पिछले 1.5 महीने तो बारिश नहीं हुई, इस समय दौरान करीब 1.5 मिलीमीटर बारिश हो जाती सी। बारिश ना होने कारण पिछले कई दिनों तो हवा च धूड़ मिट्टी के कण तैर रहे हैं, आसमान च भी धुंद छाई हुई है। खुश्क ठंड कारण लोगों को सांस संबंधी रोगों ते वायरस इन्फेक्शन का सामना करना पै रहा है। अगली खबर, आपने कैप्टन नूं दसी बिजली सस्ती करन दी तरकीब, इंज पावरकॉम का संकट भी होएगा हल। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ते गंभीर दोष लाए हैं। विधायक ते पंजाब दे यूथ विंग प्रधान मीत हेर ने पंजाब च महंगी बिजली लई कैप्टन नूं जिम्मेवार दस्या है। उन्हां बिजली सस्ती करन संबंधी कैप्टन नूं तरकीब भी दसी है। मीत हेर ने कहा कि जिन्ना चिर पंजाब सरकार निजी बिजली कंपनियां नाल होए महंगे ते एक तरफा बिजली खरीद समझौते रद्द नहीं करती, उन्ना चिर ना पावरकॉम घाटे चो निकल सकेगी ते ना ही पंजाब दे लोकां नूं अत्यंत महंगी बिजली तो राहत मिल सकेगी। हेर ने कहा कि कैप्टन सरकार दीआं लोक मारू नीतियां ते भ्रिष्ट नीयत कारण पावरकॉम 31,000 करोड़ रुपए के भारी कर्ज थले दब चुकी है। उत्थे पंजाब दे लोकां नूं सब तो महंगी बिजली मिल रही है। मीत हेर ने कहा जेकर 2017 च सत्ता संभालदे ही कैप्टन सरकार अपना चोण वादा निभा के निजी थर्मल प्लांटां नाल बादलों वालों किए घातक समझौते रद्द कर दिंदी तां अज पावरकॉम भी वित्तीय संकट चों उभरिया हुंदा ते पंजाब दे लोकां नूं भी महंगे बिजली बिलों तो राहत मिली हुंदी, पर कैप्टन दी बादलों वांग बिजली माफिया की झोली च डिग पई। खबर, किसानां नाल पहले गेड की मीटिंग तो बाद खेतीबाड़ी मंत्री ने कही यह गल। केंद्र सरकार के 3 खेती कानूनों ते बिजली सोध बिल 2020 खिलाफ संघर्ष के राह पईआं पंजाब दीआं 30 किसान जथेबंदियां केंद्र सरकार नाल मीटिंग चल रही है। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर और रेलवे मंत्री पीयूष गोयल नाल किसान आगुआं की मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग के पहले गेड़ के खत्म होने सार ही खेतीबाड़ी मंत्री ने ट्वीट किया, जिस विच कहा कि किसानों के खेतीबाड़ी कानूनों संबंधी भरम भुलेखे दूर किए। उन्होंने ट्वीट विच लिखा है कि अज विज्ञान भवन नवी दिल्ली विखे रेलवे मंत्री श्री पीयूष गोयल जी के नाल वख-वख किसान जथेबंदियों के नुमाइंदियों नूं खेतीबाड़ी एक्टां ते बुलाया अते विचार वटांदरे कीते। खबर, किसानों के रोह नूं वेख कैप्टन ने पिंडां लई खोलिया खजाना, कीते वड्डे ऐलान। खेती कानूनों खिलाफ किसानों के रोह ने मोदी सरकार के नाल नाल पंजाब सरकार की भी नींद उड़ा दिती है। किसानों के धरनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाल ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह खिलाफ भी गुस्सा वेख्या जा रहा है। अजिहियां रिपोर्टां आउण मगरों कैप्टन सरकार ने पिंडां लई कई ऐलान किए हैं तां जो चोणां तों पहलां लोगों के शिकवे दूर किए जा सकण। इस कड़ी तहत पंजाब च स्मार्ट विलेज अभियान छेड़िया गया है। इस तहत ग्राम पंचायतों च 327 करोड़ रुपए की लागत नाल 18,440 विकास कार्य शुरू कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 17 अक्तूबर को स्मार्ट विलेज मुहिम के दूजे गेड की शुरुआत की सी। इस मुहिम तहत 48,910 विकास प्रोजैक्ट कुल 2775 करोड़ रुपए की लागत नाल पूरे किए जा रहे हैं। पेंडू खेतर 750 खेड स्टेडियम बनाए जाएंगे। खबर, मोदी के मंत्री खेती कानूनों बारे लाने लगे किसानों की क्लास तो अग्यों मिलिया यह जवाब। केंद्र के खेती कानूनों बारे शुक्रवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान के केंद्रीय मंत्रियों विचाले बैठक हुई।
केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने खेती मंत्री नरेंद्र तोमर इस मीटिंग विच किसान आगुओं नाल गलबात कर रहे हैं। सूचना मिली है कि गलबात दौरान मंत्री ने किसानों की क्लास लाने की कोशिश की ते उन्हां नूं खेती कानूनों बारे समझाउण लगे। दूजे पासे किसान लीडर भी पूरी तैयारी करके गए हुए सन। उन्होंने मंत्रियों को अपने खदशियां नूं रखदिया दस्सिया कि यह कानून किसी भी तरह किसानों के हक विच नहीं हन। दस दिए कि इस तो पहला भी केंद्र सरकार ने दिल्ली में किसानों नाल मीटिंग रखी सी जो सिरे नहीं चढ़ी सी। खबर लुधियाना च 7 तो 22 दिसंबर तक होगी भारतीय फौज च भर्ती। इन्हां जिलों के नौजवान लै सकते हैं हिस्सा। खेतरी भारतीय हैडक्वाटर जलंधर वालों दसंबर तो लैके जून 2021 तक फौज भर्ती रैली की जा रही है। इस दे तहत आने वाले वख-वख फौजी भर्ती दफ्तर होगी। यह है ARO लुधियाना, पटियाला, अमृतसर, फिरोजपुर, जम्मू श्रीनगर ते हैडक्वाटर भारतीय दफ्तर जलंधर, श्रीनगर ते हैडक्वाटर भारतीय दफ्तर जलंधर। यह भर्ती रैली ARO लुधियाना, मोगा, रूपनगर ते SAS नगर जिले के नौजवान भाग लै सकते हैं। जिन्हां उम्मीदवारों ने अपनी रजिस्ट्रेशन ते पहलां तो अपलाई किया होया है तां उह भर्ती च शामिल होणगे। इसका नोटिफिकेशन 11 नवंबर तो भारतीय फौज की वैबसाइट COVID-19 उत्ते उपलब्ध है। खबर किसानां ते केंद्रीय मंत्रियों विचकार मीटिंग हुई खत्म। केंद्र सरकार वालों किसानां नाल मीटिंग लई सद्या गया सी। अज सवेर तो ही मंत्रियों ते किसानां विचकार मीटिंग चल रही सी, हुण खत्म हो गई है। किसानां ते मंत्रियों विचकार मीटिंग करीब 7 घंटे तक चली। किसानों ने मीटिंग चो बाहर आके दस्या कि इस मीटिंग च किसी भी मसले का हल तो नहीं होया, पर दोहां भी धिरां वल्लों अपने अपने पक्ष दसे ते सुने गए। अगे किसानों ने दस्या कि उन्हां वल्लों उन्हां दे प्रोग्राम की किसी भी रूप रेखा च कोई बदलाव नहीं है। वह संघर्ष पहलां वांग ही जारी रखणगे। 18 नवंबर नूं उन्हां वल्लों मीटिंग की जाएगी अते 26-27 नवंबर नूं किसान दिल्ली वल कूच भी करनगे। किसानों ने कहा कि यह पहली मीटिंग हुई है, अगे हो सकता है कि उन्होंने मसले का हल हो जाए और केंद्र सरकार वालों उन्होंने मसले के हल करने लिए कमेटी बनाने का भरोसा दिता गया है। खबर माल विभाग पंजाब समेत होर विभागों दी 1533 असामियों की प्रक्रिया छेती होगी शुरू। रमन बहल। जेल विभाग पंजाब में सहायक सुपरडेंट जेलों की भर्ती संबंधी इश्तहार किया जारी। सहायक सुपरडेंट जेलों की असामियों लिए 7 दसंबर तक किया जा सकता है ऑनलाइन अपलाई। पंजाब सरकार के लोगों प्रति वचनबद्धता मुख रखते हुए रुजगार देने लिए पंजाब अधीन सेवावां सेवा चोण बोर्ड वालों जेल विभाग पंजाब में सहायक सुपरडेंट जेलों की भर्ती लिए इश्तहार जारी कर दिया गया है। पत्रकारों नाल गलबात करदिआं पंजाब अधीन सेवावां चोण बोर्ड के चेयरमैन श्री रमन बहल ने दस्सिया कि 16 नवंबर तो 7 दसंबर 2020 तक इन्हां असामियों लिए ऑनलाइन अपलाई किया जा सकता है ते फीस भरन की आखिरी मिति 10 दसंबर रखी गई है। अधीन सेवावां चोण बोर्ड के चेयरमैन श्री बहल वालों यह भी दस्सिया गया कि वख-वख विभागों में जूनियर ड्राफ्टसमैन दियां 443 असामियां अते माल विभाग पंजाब विच पटवारियों दियां 1090 असामियों की भर्ती प्रोसैस शुरू करन दी बोर्ड वालों प्रवानगी भी दिती गई है। यह खबर वड्डे अहुदे ते बत्ती वालियां गड्डियां उड़ीक कर रहे कांग्रसियां नूं झटका। नवजोत सिद्धू नूं भी करनी पएगी उड़ीक। कांग्रेस विच वड्डे अहुदे ते मंत्री बन के बत्ती वालियां गड्डियां उड़ीक कर रहे कांग्रसी लीडरां नूं झटका लगा है। होर तां होर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नाल रुसे नवजोत सिंह सिद्धू नूं भी अजे उड़ीक करनी पएगी क्योंकि अजे कांग्रेस पार्टी ते पंजाब कैबिनेट विच कोई फेर बदल नहीं किया जा रहा। इसका खुलासा कांग्रेस के पंजाब मामलों के इंचार्ज हरीश रावत ने खुद किया है। दस दिए कि पिछले कुछ समय तो पंजाब सरकार कांग्रेस के कैबिनेट में फेरबदल बारे चर्चा चल रही थी। हुण रावत ने पंजाब कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह के मंत्रिमंडल में बदलाव दी अटकलों को खत्म कर दिता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सूबा कांग्रेस के सूबा मंत्रिमंडल में किसी भी तरह के बदलाव की कोई योजना नहीं है। अगली खबर खेती कानून के खिलाफ जारी धरने से शामिल किसान की दिल का दौरा पैण नाल मौत। प्लाजा से खेती कानूनों के खिलाफ किसान जथेबंदियों वालों फाजिलका में 44 दिनों तो जारी रोस धरने से शामिल 60 साल किसान की शुक्रवार शाम को दिल का दौरा पैण नाल मौत हो गई। इस घटना तो बाद किसानों ने मृतक किसान बलदेव राजपुत्र गुरदास राम की लाश को मां मजोईया टोल प्लाजा से रख के रोस प्रदर्शन किया गया अते समाचार लिखे जाण तक रोस जारी रखा गया। जानकारी फिरोजपुर रोड ते मां मजोईया टोल प्लाजा ते किसानां वल्लों दिते जा रहे धरने च पिंड मां मजोईया दा किसान देवराज पुत्र गुरदास राम करीब 60 साल दी अचानक तबीयत खराब हो गई, जिस तों बाद उसनूं जलालाबाद एक निजी हस्पताल च
दाखिल करवाया गया पर देर शाम किसान बलदेव राज की मौत हो गई। दोस्तों ये सन अज दी ताज़ा तरीन खबर। इस तरह हर रोज़ ताज़ा तरीन खबर देखने चैनल में सबसक्राइब कर लो जी, तो वीडियो में शेयर करना ना भुलना। धन्यवाद दोस्तों।